वेव और डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। आज हमारे साथ है सीमा सुहेल रिजवी जी, एक ऐसी खास शख्सियत जो समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कई सालों से कार्यरत हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए हैं और उनकी यही इच्छा है कि महिलाएं पढ़ें, खूब पढ़ें और साथ ही वे अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। उनके लिए ये सिर्फ काम या टाइम पास नहीं है, बल्कि एक ध्येय है दूसरों के लिए कुछ अच्छा या बेहतर करने का। तो चलिए बात करते हैं सीमा रिजवी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आप अपनी जिंदगी के सफरनामे में से कुछ खट्टे मीठे अनुभव हैं वो आप हमारे साथ बांटें। तो सबसे पहले तो शुरू से शुरुआत करते हुए हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारी श्रोताओं को कुछ बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो में। अपने बारे में बताने से पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दें। अज़्म कामिल हो तो तूफान भी टल जाते हैं, जज्बे सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। जोरे तूफान से घबराते नहीं हम लोग, हम बदलते हैं तो हालात बदल जाते हैं। तो मैं अपने बारे में ये बताना चाहूंगी कि मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ एजुकेशन की बहुत ज्यादा अहमियत रही है। मेरे दादा बहुत पहले के जमाने में, हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे उस जमाने में, वो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे और उनको एजुकेशन से बहुत ज्यादा लगाव था। तो जहाँ वो प्रिंसिपल थे वो 12th तक की मतलब इंस्टीट्यूट था, तो उन्होंने उसको ग्रेजुएट तक करा। वो चाहते थे कि लड़कियाँ तालीम हासिल करें, लड़कियाँ एजुकेशन में आगे बढ़ें। और शायद उसी चीज से ये हम लोगों के अंदर भी आई, जो हम लोगों के अंदर हमें लिखने पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। मेरे सारे जो भाई बहन या कजिन्स जो है मेरे, वो इसमें बहुत आगे हैं, एजुकेशन में बहुत ज्यादा आगे हैं, जो इस टाइम इंडिया में भी है, इंडिया से बाहर भी है। तो ये चीज हमें वहाँ से मिली है पढ़ाई की। जी, आपको घर से एक बहुत अच्छा माहौल मिला शिक्षा का, जिस वजह से आपने शिक्षा की अहमियत को समझा और अब आप खुद भी जो है आगे शिक्षा के लिए काम कर रही हैं। तो हम यहीं से अभी बात को अभी भी अपनी यहीं जारी रखते हैं और सबसे पहले हम आपके बचपन के ही गलियारे में चलते हैं और जानते हैं कि आपकी शिक्षा कैसे हुई और आपकी शिक्षा में आपने किस किस तरह योगदान दिया और उस समय भी किस तरह से अपनी बातों से अपने कॉलेज टाइम में कि किस तरह से जो लड़कियां हैं वो प्रेरित हों, जो आपकी सहपाठी हैं वो भी प्रेरित हों, उस बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, मेरी तालीम मैं एक्चुअली अलीगढ़ से ताल्लुक रखती हूँ और यहाँ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी पोस्टिंग है और जगह जगह रही है क्योंकि वो पुलिस महकमे में है, तो हमने इस तरीके से तरह तरह अलग अलग शहरों में उनके साथ हम रहे हैं और डिफरेंट कल्चर भी हमने देखा है। तो जो मेरी तालीम है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है, वहाँ से मैंने नर्सरी से लेके मास्टर्स तक किया हुआ है और मास्टर्स में कुछ गैप आया था जिसका मेरा एक अलग किस्सा है, अगर आप इजाज़त देंगी तो वो मुझे मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, जिससे हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि तालीम कितनी ज़्यादा अहम है कि इतनी रुकावटों के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और मैंने टॉप भी करा उसको। नहीं, बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव हमारी श्रोताओं के साथ बांटें, क्योंकि ये जो छोटे छोटे अनुभव रहते हैं इनसे ही हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो आप प्लीज जरूर बताइए इस बारे में। जी, मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली जब मैं एमए कर रही थी, मास्टर्स अपना लिटरेचर में, तो उसी वक्त मेरी शादी हो गई थी। शादी का किस्सा बहुत मजेदार है, वो आप जरूर सुनिएगा मुझसे कि मेरी शादी कैसे हुई 2 महीने के अंदर। तो एमए जब कर रही थी तो उस वक्त ये हुआ शादी, मतलब कि मेरी शादी हो गई थी और शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हुए, जिसकी वजह से मेरा जो एमए फाइनल ईयर था उसमें मेरा काफी गैप हो गया और तकरीबन ये सोचिए 7 या 8 साल का गैप हो गया। लेकिन मेरी जो मम्मी थी उनको बहुत ज्यादा शौक था, वो ये चाहती थी कि मैं PhD करूँ, डॉक्टरेट की डिग्री लूँ, और जो मेरे हस्बैंड हैं सुहेल साहब उनको भी ये बहुत शौक था और उनके सपोर्ट और मेरी माँ के सपोर्ट की वजह से मैंने उसको पूरा किया और मैंने टॉप भी करा एमए के अंदर, PhD का एग्जाम भी दिया मैंने। तो ये सब सिर्फ फैमिली में, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो मतलब लास्ट तक न्यूज़पेपर्स बाहर से आ रहे हैं, मैगजीन्स आ रही हैं, तो उनको भी शौक था राइटर, और ये शौक मेरे बच्चों में भी आया ये सारी चीजों का। तो इसलिए फिर मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करी और मैं फिर इस तरीके से मैंने चाहा कि जब मैंने कराए इतनी रुकावटें
देखी और रुकावटों को मैंने पार करके अपनी तालीम को हासिल करा, मुकम्मल किया। तो उस ही चीज में मैं उसी क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। और मुझे ये होता है कि हर बच्चा पढ़े, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन के बगैर इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं है, मेरी ऐसी सोच है। तो इस दौरान कहीं कुछ विरोध था आपकी पढ़ाई को लेकर? नहीं, वो किस्सा अगर आप कहेंगे तो मैं सुनाऊंगी कि क्यों इतना गैप हुआ मेरा, मतलब इस तरीके से। जब इन लोगों ने सपोर्ट करा, मेरे हस्बैंड और मेरी माँ ने, तो मैं एग्जाम देने गई। मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, बेटी भी और बेटा भी। तो जब मैंने तीन एग्जाम दे लिए अपने एमए फाइनल ईयर के, और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई और जो है मेरा जो आधा धड़ था उसमें मेरा पैरालाइज्ड हो गया वहां पर, और मैं खड़े खड़े गिर गई वहां पर। उसके बाद मुझे दिल्ली लेकर गए ये लोग अर्जेंट से, तो उन लोगों ने कहा कि ये जिंदगी भर कभी चल ही नहीं पाएंगी। तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ से गए, फिर वो ट्रेनिंग कर रहे थे कुछ अपना, तो वहां पर डॉक्टर्स ने कहा जब ये लेकर गए कि आप, उन्होंने कहा आप आखिरी वक्त में लेकर आए, ये सिर्फ एक हफ्ते जिंदा रहेंगी और बहुत लास्ट स्टेज है इनकी। तो मतलब जाहिर सी बात है भाई, मैं रोया करती थी इस चीज के लिए। तो उन लोगों ने कहा कि ये ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी एक हफ्ते तक। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि जो मेरी विल पावर थी, पॉजिटिव विल पावर, मतलब इसके अंदर एक चीज ये भी आती है कि आपको अगर कोई भी बुरा वक्त आ रहा है, आपको पॉजिटिव रहना है किसी भी हाल में, चाहे सामने वाला आपके साथ कुछ भी करे, आपको पॉजिटिव रहना ही है। और उसी पॉजिटिव विल पावर की वजह से शायद मैं आज आपके सामने भी बैठी हुई हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रही हूँ। तो मेरे घर वालों का सपोर्ट था और सबकी दुआएं थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे बेटा बेटी छोटे से थे, ये लोग कोई चार साल का, कोई दो साल की बेटी थी मेरी। तो ये लोग अपने छोटे छोटे हाथों से दुआएं मांगा करते थे कि हमारी जो माँ है चलने लगे। सिर्फ उन्हें ये नहीं मालूम था क्या प्रॉब्लम है, बस चलने लगे ये लोग, मतलब मेरी हमारी मम्मा चलने लगे। तो अक्सर मैं लेटती थी, रोती थी, तो उस वक्त मेरे जहन में एक शेर आता था कि जिस दर्द से हम गुजरे हैं, तुम गुजरते तो गुजर गए होते। मगर फिर उस ख्याल को मैं अपने पर हावी नहीं होने देती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे दोबारा से नई जिंदगी मिली, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। और फिर दोबारा मैंने अपने बच्चे हुए एग्जाम दिए और फर्स्ट क्लास पास हुई। ये सारे स्ट्रगल्स जो थे मेरे दोनों बच्चों ने, जो बहुत ही छोटे थे उस वक्त, उन लोगों ने देखे थे। तो इतनी तकलीफ होने के बावजूद जो गरीब बच्चे थे, मैं उनको उस वक्त भी फ्री एजुकेशन देती थी, जबकि वो खुद नहीं चल पाती थी, मैं सहारे से चलती थी। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे पार्क में लेके जाते थे गाड़ी से, और वहां जैसे छोटे बच्चों को आप, मतलब मुझे अजीब सा लग रहा है एकदम, मैं पीछे चली जाती हूँ एक्चुअली मैं इन चीजों भावनाओं के समंदर में कई बार बह जाने देती हूँ असल में। तो जो है वो मुझे पार्क में लेके जाते थे, उधर मेरे दोनों बच्चे होते थे और वो कहते थे आओ इनको पकड़ो। मैं चल नहीं पाती थी, मैं गिर जाती थी एकदम से, ऐसे ऐसे चलती थी जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि वो चल रहा है फिर गिर गया, वो चीज थी मेरी, वो कंडीशन थी। लेकिन सिर्फ इन लोगों की वजह से, जाहिर सी बात है मेरे शौहर ने बहुत ज्यादा साथ दिया उस टाइम, और मैं करीबन मुझे एक साल लगा दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होने पे। आज लोग मुझे देखते हैं तो उन लोग को यकीन नहीं आता कि मतलब इनके साथ ऐसा हुआ होगा कि इतना धड़ लटक गया, व्हील चेयर पे चल रही हूँ मैं, तो यकीन नहीं आता। तो किस तरह से फिर आपने खुद को, क्योंकि खास तौर पे ये देखा जाता है कि शादी के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि महिला घर के बाहर कुछ कर सके। एक करियर बनाना तो अपनी चीज है, लेकिन करियर के अलावा समाज सेवा करना एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने घर के छोड़कर बाहर जा रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं। वहां आप इस क्षेत्र में कैसे जुड़ी और कैसे आपने आगे अपने काम बढ़ाया? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो एक चीज है वो ये है कि किसी भी नई चीज को सीखने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता मेरी एज क्या है, ये चीज मेरे अंदर छोटे बन से आई है, बचपन से आई है कि मुझे सीखते रहना है और हर दिन मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा किस्सा हुआ तो अब मैं जिस दिन भी, हर दिन मुझे ऐसा लगता है मैं सुबह उठी हूँ तो ये नया दिन है, नई सुबह है, तो मैं सबसे पहले तो शुक्र अदा करती हूँ ऊपर वाले का कि उसने मुझे नई सुबह देखने का मौका दिया है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर मैं किसी के दुख में, तकलीफ में, अगर मैं खुद तकलीफ महसूस कर रही हूँ, मैं सच्चा इंसान वही है, वही सबसे खूबसूरत इंसान है कि वो किसी की तकलीफ में अपने आप को तकलीफ महसूस करे और किसी की खुशी के अंदर वो खुद भी खुश हो। और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि ये चीज मुझ में आई है, मेरे बच्चों में आई है, मेरे हस्बैंड में आई है,
कि हम लोग मतलब ऐसे दूसरे लोगों की मदद भी कर सकते हैं जो भी हम जिस लायक हैं, मतलब ये है चीज। तो अभी आप वर्तमान में किस तरह से जागरूक कर रही हैं महिलाओं को और बच्चों को? देखिए, मेरे हस्बैंड जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो उसकी वजह से हम लोग डिफरेंट सिटीज में रहे हैं और इंदौर में पोस्टिंग की, ग्वालियर में थी पोस्टिंग। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं टीवी पे अपना वक्त मतलब जाया करूं, और टीवी चलती भी नहीं, अगर चलती भी है तो न्यूज चैनल वो भी वैसे राज्यसभा टाइप के जो होते हैं, ऐसे नहीं वैसे वाले नहीं चलते। तो हम लोग, हमें ये लगता है कि एक तो गॉसिप से दूर रहे हम और कुछ लोगों के काम आए, क्योंकि जिंदगी थोड़ी सी ही है, कोई बहुत बड़ी जिंदगी हमारी है नहीं। तो मेरे हस्बैंड बिजी रहते थे अपनी जॉब में, बच्चे स्कूल चले जाया करते थे, तब हम लोगों ने कुछ ऐसी औरतों को जोड़ा कि हम जाएं और जाके जो गरीब औरतें होती हैं, हमें हम उनको जाके पढ़ाते थे, और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो हम उनको पूछते थे कि आप क्या खा रही हैं, क्या आपको मिल रहा है। वो लोग कुछ भी न्यूट्रिशन के बगैर बारे के अंदर कुछ भी नहीं जानती थी वो लोग, तो हम उन्हें बताते थे कि आप ऐसा करें, क्योंकि ताकि जब आपकी डिलीवरी हो, बच्चा हो, तो उसको कोई परेशानी ना हो किसी तरीके की। तो ऐसे हम जागरूक करते थे, और मेन मकसद मेरा जो है वो एजुकेशन रहता है कि छोटा सा बच्चे से लेके और बड़ा भी, चाहे वो एक साल का बच्चा हो और उससे लेके बड़ा जितना भी बड़ा है, हम उसको बिल्कुल मदद में आगे आगे रहते हैं। उसका नतीजा ये भी है कि जो मेरे यहाँ है जो अर्दली वगैरह, मैं उनको भी जागरूक करती रहती हूँ उस बारे में कि तुम यही रुको मत, तुम एग्जाम दो, कॉम्पिटिशन दो, तुम आगे बढ़ो, ये नहीं कि ये जॉब है तुम्हारी तो यही रही। तो उसमें मेरा एजुकेशन में बहुत रहता है। अभी हम लोग पिछले संडे में ही एक एनजीओ से रिलेटेड कहीं गए थे, तो वहां आपको यकीन नहीं आएगा, एक साल का बच्चा था, वो स्लेट लिए हुए, जो स्लेट होती है स्लेट और बत्ती, वो लिए हुए वो बैठा था। तो वो ये कह रहा था कि मतलब मुझे लिखना है इसमें, तो मैंने उसको फिर ए और बी लिखना सिखाया, एक साल के बच्चे को मैंने लिखना सिखाया। वो जानता नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं सीखेगा ये, सब लोग बहुत खुश भी हुए। कोशिश करते हैं तो फिर कामयाब तो होते ही हैं, और आपको वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला, और इसके अलावा भी कई आपको अवार्ड मिले, तो इसके लिए तो आपको बहुत बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। और उन अवार्ड्स के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपने वो अवार्ड तक का सफर तय किया। देखिए, शादी के बाद मेरा बेटे जो है वो 12th क्लास में थे, तो उस टाइम CNBC ऑन सैंड यंग और दैनिक भास्कर और कलर्स जो चैनल है, इन लोगों ने कुछ ये वुमेन्स के लिए ही ऑर्गेनाइज कर रहे थे ये लोग, तो उसमें 2.5 लाख स्टोरीज जो है उसमें मेरी स्टोरी सिलेक्ट हुई थी, और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बेटे ने उनको लिख के भेजा है, ऐसा मुझे ये चीज़ नहीं मालूम थी बिल्कुल भी। उन लोग का अचानक से कॉल आया कि आपको सिलेक्ट किया गया है, 2.5 लाख स्टोरीज आई थी हमारे यहाँ, उसमें आपकी स्टोरी सिलेक्ट हुई है। तो उसमें कैटेगरीज थी, स्पोर्ट्स की थी, मेडिकल फील्ड थी, म्यूजिक थी कुछ, और ये फैमिली आइडल था, तो मुझे फैमिली आइडल में वुमेन ऑफ द ईयर 2010 का अवार्ड मिला था। कितनी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ा अवार्ड यही होगा कि बेटे की तरफ से ये पहल की गई, और उसकी वजह से, उसकी कोशिशों की वजह से आपको, आपका नाम उसने इसमें दिया, और फिर आप काबिल थी तो आपको ये अवार्ड मिला। और इसके अलावा भी आपको 2013 में भी एक अवार्ड फिर से मिला था। जी, 2013 में मुझे वुमेन प्राइड अवार्ड विनर मैं हुई थी, उसमें भी एंट्रीज आई थी काफ़ी, तो उसमें मेरी स्टोरी सिलेक्ट हुई थी, और वो भी मेरे बेटे ने ही उसको, उनको एक्चुअली क्या है लिखने का काफ़ी शौक है, तो उन्होंने करा, वो भी मुझे मालूम नहीं था कि मुझे सिलेक्ट किया गया है। और कॉलेज के ज़माने में मुझे बेस्ट गर्ल अमंग द बेस्ट गर्ल, मेरा सब्जेक्ट जो था लिटरेचर, उसके अंदर मिला था मुझे अवार्ड। आज का जो माहौल है इसमें काफ़ी बदलाव आया है, लड़कियों की शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हुए हैं और पढ़ा भी रहे हैं और आगे भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से अभी भी क्या कमी है और हमें किन किन पहलुओं पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है, जिसमें जो घर पे बैठी हुई औरतें हैं वो भी अपनी तरफ से सहयोग दे सकें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जो लेडीज हाउस वाइफ हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी सबका अपना अपना हिसाब होता है, लेकिन मैं अपने लिए खुद कहूँगी कि
मुझे नहीं लगता कि सिर्फ खाना पका के या घर के अंदर मैं बैठ जाऊं और सिर्फ या फोन लगा के मैं किसी से गॉसिप करती रहूं। मुझे ऐसा लगता है ये टाइम वेस्ट हो रहा है। लगता है कि कुछ काम करें, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करें हम। तो एक तो आप औरतें जो हैं उन लोगों को देखें जो किसी वजह से पढ़ लिख नहीं पाई हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अभी मैं एक 20 साल की लड़की से मिली, तो वो लड़की 12th कर रही है, उसका हस्बैंड नहीं है, मतलब अभी खत्म हो गया, 6 महीने का उसका बच्चा है। लेकिन उसने मुझसे ये कहा कि मैडम मैं जो है झाड़ू पोछा नहीं करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं झाड़ू पोछा करूँ, आप मुझे कहीं रिसेप्शन पे या कहीं अगर करवा दें। मुझे बहुत मतलब अफसोस सा हुआ इस चीज का कि इतनी छोटी उम्र है, घूंघट डाले हुए थी, वो सारी चीजें। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप इसके लिए कुछ करिए, तो उन्होंने कहा नहीं हम अभी फिलहाल कर देंगे, लेकिन इसको हम चाहेंगे कि ये किसी अच्छी जॉब में आ जाए 12th पूरा करने के लिए। तो इन चीजों पर आप काम करें। उसके अलावा जो पढ़ाई का मामला है बच्चों का, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से बड़ा करें कि एक तो आप ताकि वो अपनी हर बात माँ बाप से शेयर कर सकें, ऐसा नहीं कि वो छुपा रहे हैं। और अगर दो बच्चे आपकी फैमिली में हैं तो आप उन लोगों का आपस में मुकाबला मत करिए, क्योंकि बच्चे जाहिर सी बात है आप एक को अच्छा बताएंगे एक को बुरा तो इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, और छोटे बच्चे होते हैं, छोटा जहन होता है उनके अंदर, उस चीज से नेगेटिविटी आती है उन बच्चों के अंदर। जैसे मेरे लिए काफी लोग ये कहते थे कि आप जो है अपने बच्चों की पिटाई क्यों नहीं करती हैं, पिटाई करिए। मैंने कहा क्यों करूं भाई पिटाई, मेरे बच्चे जब मुझे ये मौका ही नहीं देते, पढ़ाइयां कर रहे हैं, तो मैं क्यों पिटाई करूं उनकी। और आप क्या सोच रहे हैं कि पिटाई करने से बच्चे बहुत अच्छे बन जाएंगे, वो तो जिद आ जाएगी उनके अंदर और जिद्दी हो जाएंगे वो बच्चे। मैं इस चीज को गलत मानती हूँ, मैं स्ट्रिक्ट रही हूँ अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके, लेकिन बहुत अच्छी फ्रेंड रही हूँ मैं उन लोगों की। तो उस वजह उसका नतीजा क्या हुआ है कि बेटा मेरा IITian है, IIT से पास आउट है, उन्होंने टॉप किया, गोल्ड मेडल मिला है उनको, और अभी वो IIM के अंदर है, PhD कर रहे हैं। बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है मेरी बेटी, और उनको भी प्रिंसिपल मेडल मिला है। मैंने अपने बच्चों की पिटाई नहीं करी, तमाम बुरी आदतों से दूर भी हैं बच्चे मेरे, शुक्र करती हूँ मैं इस चीज का। बहुत बहुत ही अच्छी बात है, और वाकई में आपके जो अनुभव हैं, आपके जो जिंदगी है, वो सभी के लिए प्रेरणास्पद है। और सबसे अच्छी बात जो आपने कही, हर दिन नया दिन। बस इसी के साथ में मुझे लगता है कि सभी महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ नया करते रहना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप इतने अच्छे काम कर रही हैं, तो आपकी प्रेरणा कौन रहे हैं, उस बारे में कुछ बताइए। इसमें सबसे पहले मैं अपने फादर का नाम लूंगी, अपनी मदर का लूंगी, अपने हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, यही लोग मेरी प्रेरणा हैं। जैसे मेरे फादर ने मुझे ये सिखाया था कि बेटा चंदन के पेड़ की तरह रहना चाहिए, जिस पर कितने भी कीड़े लिपटे रहे वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। इसी तरह तुम किसी भी माहौल में रहो मगर अपनी जड़ों को मत भूलो। वो खुद एक बहुत ही पॉजिटिव शख्सियत के मालिक थे, राइटर पोएट वगैरह सब थे, और कहते भी थे कि अगर कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको फौरन एक्सेप्ट करना चाहिए तुमको। अच्छा, मैंने अपनी माँ से सीखा कि मुश्किल हालात में आपको किस तरीके से स्ट्रांग रहना है। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे बहुत ही बड़े सपोर्टर हैं, उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगी अगर आप इजाजत देंगी तो मुझे। बिल्कुल। हूरों से कह दो कि उसके गुमान में ना रहें, वो मेरा है फर्श पर भी और अर्श पर भी, यानी मेरे हस्बैंड जो हैं। और तेरा जन्नत ने साथ मांगा है, ये दुनिया तो महज फानी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ जन्नत में भी रहें, और दोनों बच्चे बच्चों से मैं बहुत ज्यादा सीखती हूँ अपने। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, अब मैं कोई और हूँ, वापस तो आकर देखिए। अक्ल ये कहती है दुनिया मिलती है बाजार में, दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर कीजिए। और एक बस लास्ट है मेरा, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। तो मैं मानती हूँ कि दूसरों के काम आइए, मदद करिए, और भूल जाइए कि आपने मदद करी है, खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और आज की जनरेशन के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हौसला रख ए वक्त के मुसाफिर, ये जो आईना तेरी तालीम का गवाह बना है, उसे जरूर एक दिन तुझ पे फख्र होगा।
कितनी अच्छी बात कही। वाकई में आपसे मिलकर आपकी बातें सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, शॉर्ट वेव 41 और मीडियम वेव 188.3 मीटर और DTH के ऑडियो चैनल पर।